मैं यहाँ से सैल्यूट करती हूँ अपने संविधान दिवस पर, ये वो जाहिर कर रही है कि हम संविधान दिवस मना रहे हैं, लेकिन इसी संविधान के मानने वाले लोगों को जेलों में ठूसा जा रहा है। जी जो संविधान जिन गरीब कमजोर वर्गों के लिए बना था, भाई अमीर तो पहले से अमीर थे, उच्च वर्गीय लोग तो पहले से मजे की जिंदगी जी रहे थे, पहले से राजा महाराजाओं के या फिर जितने भी लोग देश में आए उनकी चापलूसी करके भी बढ़िया जीवन जी रहे थे, खा रहे थे। लेकिन वास्तव में संविधान जिस गरीब के लिए लिखा गया, जिस आदिवासी के लिए लिखा गया, जिस ट्राइबल को एक जो लाइन पहले चलती है उस लाइन में खड़ा करने के लिए, मुख्य धारा में जोड़ने के लिए लिखा गया, आज ही वो वही पड़ा है। उसको लाना था मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, लेकिन उठा उठा कर डाल कहां दिया, जेलों में। उसको लाना था देश की संसद तक, लेकिन लाकर कहां डाल दिया, लोगों की जेलों में। द्रौपदी मुर्मू जी यही कह रही है कि अकेले मेरे यहाँ राष्ट्रपति बनने से मेरे पूरे समाज का भला नहीं हो जाता, जो मैंने पहले भी कहा था। वो आज कह रही है जो गरीब समाज, जो आदिवासी समाज जेलों में आपने बेगुनाह होकर डाला है, उनको बाहर निकालिए। अगर आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया तो उनको अपने घर तक पहुँचाइए। भावुक क्यों होगी, लाचार है क्या, या कोई कदम नहीं उठा सकती, कोई फैसला नहीं ले सकती क्या? और देश की जो इस समय वर्तमान पार्टी है हमारे देश की, वो कोई छुपी हुई बात नहीं है, वो आदिवासी विरोधी है, वो मुस्लिम विरोधी है। मुस्लिम विरोध तो वो सामने से करती है, पूरा मीडिया और उनकी सारी भाषणबाजी मुस्लिम विरोधी होती है, क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करने वाले लोग आदिवासियों को साथ कैसे ले सकते हैं, क्योंकि आदिवासी तो हिंदू वाली सूची में है ही नहीं। तो ये हिंदू राष्ट्र केवल चार लोगों का, चार ब्राह्मणों का हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, बाकी बची यहाँ पर 98-97% जनसंख्या को दरकिनार करके उसे जबरदस्ती या तो उसको गुलामी स्वीकार करनी पड़ेगी, गुलामी स्वीकार नहीं करेगा तो जेलों में भरवाएंगे, इसीलिए जेलों की तैयारी भी चल रही है। तो इसलिए वो यहाँ पर कहीं ना कहीं मजबूर भी हो सकती है। रबड़ स्टैंप नहीं है राष्ट्रपति, उनका दर्द बाहर आया है। एक दर्द में जीने वाला व्यक्ति कितने दिन तक दबा कर रख सकता है, कभी ना कभी तो बाहर निकल कर आएगा, और वो उनका निकल आया। अब हो सकता है कि इसके बाद क्या रिएक्शन लिया है। बात तो ये है कि अगर वास्तव में राष्ट्रपति जी के शब्दों का इतना महत्व है, तो देश के अंदर अब सारे जितने भी बेकसूर लोग हैं वो बाहर निकलने चाहिए। अगर वास्तव में राष्ट्रपति पद का सम्मान है, उनके शब्दों का सम्मान करती है जुडिशरी, तो ये लिस्ट बनाए और ऐसे लोगों को बाहर निकाले, उनकी बैकग्राउंड चेक करेगी, वो कितने क्राइम अब तक उन्होंने किए हैं। जब तुमसे आज तक उनका क्राइम ही साबित नहीं हो रहा, और दूसरी बात यह है कि जुडिशरी में 99% जो कब्जा है ब्राह्मणों का है, और जुडिशरी सबसे बुरे हाल में है देश की, क्योंकि जब न्याय समय पे नहीं मिलता है, देर से न्याय मिलने का मतलब भी ये होता है कि अन्याय किया जा रहा है, और देश की जो जुडिशरी है वो यही कर रही है। हमारे भारत की जुडिशरी हजारों मतलब लाखों जो केस है वो पेंडिंग पड़े हैं। इसका मतलब आप काबिल जज नहीं हो, इसका मतलब आप जजमेंट जल्दी जल्दी नहीं दे सकते, आप जजमेंट को समय से नहीं पढ़ सकते, आप जो है दोनों पक्षों को जल्दी से आप बुला करके उनके जजमेंट को देकर के उनको रिहा नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है, ब्राह्मणों के हाथ में जुडिशरी देने का मतलब ये है कि देश को जुडिशरी रूप से बर्बाद कर देना, न्याय व्यवस्था को ध्वस्त कर देना। क्योंकि 1919 में खुद अंग्रेजों ने कहा था कि ब्राह्मण का न्यायिक चरित्र नहीं होता, ब्राह्मण का करैक्टर जो है इसमें जस्टिस नहीं होता, इसलिए ब्राह्मण को हम जुडिशरी में जगह नहीं देंगे, और ना उन्होंने दी। लेकिन जैसे यहां से अंग्रेज गए, सारी जुडिशरी पर कब्जा कॉलेजियम के सिस्टम से ब्राह्मणों ने कर लिया, तो ये देश कैसे आगे बढ़ सकता है। तो अंग्रेजों तो बता के चले गए थे ये सूत्र के जुडिशरी को अगर ध्वस्त करना हो तो ब्राह्मणों को एंट्री दे देना, यहां ब्राह्मणों ने जाकर पूरा ही कब्जा कर लिया। तो ये देश की जो सरकारें हैं, जो बात हम साफ साफ शब्दों में बोल सकते हैं, शायद द्रौपदी मुर्मू जी नहीं बोल सकती, वो राष्ट्रपति हैं, जाति विशेष का नाम नहीं ले सकती हैं, तो क्या हुआ, वो शब्द हम तो बोल सकते हैं। और देश की सच्चाई यही है कि देश की न्याय व्यवस्था जब तक ध्वस्त और बर्बाद रहेगी। लगता सरकार को एक झटका दिया है राष्ट्रपति जी ने? देखिए झटका नहीं है, कहीं ना कहीं उन्होंने एक गरीब आदिवासी को खुद के दर्द से जोड़ा है, क्योंकि वो बाहर निकल कर आया है। और सरकार के लिए कोई झटका नहीं है, मुझे तो लगता नहीं कि ये सरकार किसी भी शब्द पे कोई असर डाल रही हो। ये कुछ देर के लिए दिखावा कर सकती क्या है, सोचा होगा सरकार ने कि ऐसा राष्ट्रपति बोल सकते हैं? शायद ना सोचा होगा, क्योंकि ये ओरिजिनल शब्द थे, उनको लगा होगा कि यार किस लिए खड़ा किया था, बोलने के लिए क्या दिया था और बोल कर क्या कर दिया। हो सकता है बाद में उनकी डांट भी पड़ी हो सकता है उनको ले जा करके अकेले में कहा हो कि तुमने ये क्या कर दिया, कि तुमने उनकी आवाज कैसे उठा दी, अब हमें थोड़ा बहुत एक्शन भी लेना पड़ेगा दिखावे के लिए। तो ये मैं तो राष्ट्रपति जी के लिए संतावना और यहाँ से अपना स्नेह और सम्मान भेजूंगी कि उन्होंने अपने दर्द को जाहिर किया और हम सबको ये बता दिया कि वास्तव में अगर वो ना बोल पाए उनकी मजबूरी होगी, लेकिन वास्तव में वो अपने दर्द को साथ लेकर के गई उस प्रेसिडेंट की कुर्सी पर। कि अगर वो खुद को बाबा कहते हैं तो बाबाओं की भाषाओं में इस तरह की अश्लीलता इस देश की नारियों के लिए बेहद घटिया और नीचता की बात है। जो व्यक्ति ये कह रहा है कि महिलाएं साड़ी में भी अच्छी लगती हैं, महिलाएं सूट में भी अच्छी लगती हैं, और मेरे को तो फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बिना कपड़ों के भी अच्छी लगती हैं, तो ये जो बाबा है
जब महिलाओं के बारे में इतनी बेकार सोच रखता है, दूसरी चीज ये है कि उस मंच पर बैठी हुई महिलाएं, नेताओं की महिलाएं मंच पर बैठी हुई हैं और दांत, डिप्टी सीएम की महिला बैठी हुई है और वो दांत हिला रही है, मतलब हंस रही है, इससे पता चलता है कि महिलाएं कितनी मूर्ख हैं। आप मंच पर बैठ सकती हो और मंच पर इसी तरह की मूर्खों की भरमार है, ऐसे ही मूर्खों को मंच पर बिठाया जाता है। तो ये इससे पता चलता है कि जितनी भी सामने बैठी हुई महिलाएं वो भी हंस रही हैं। अरे बिना कपड़ों के आप क्या बाबा के सामने आओगी? क्या बाबा इसलिए आते हैं देश के अंदर? बाबा इसलिए बनते हैं कि महिलाओं को बिना कपड़ों के लिए देखने के लिए आंखें सेके? क्या आप इस देश के पुरुषों की जवान कट गई है? इस देश के पुरुष इतने जो है कमजोर पड़ गए कि अपनी महिलाओं को, वो कह रहा है आपकी महिलाओं को कि वो बिना कपड़ों के भी अच्छी लगती हैं? तुम्हारी महिलाएं बाबा के सामने बिना कपड़ों के रहेंगी तो क्या तुम्हें, तुम्हारे स्वाभिमान और आत्मसम्मान को चोट नहीं पहुंचेगी, ठेस नहीं लगेगी? ये पुरुषों को भी कहने वाली आवाज है। वैसे तो पुरुष बड़े कहते भी, हम तो बड़े नाकदार हैं, बड़े इज्जतदार हैं, हमारी महिलाओं को किसी ने तू भी कही तो तलवारें खींच जाएंगी। अब ये बाबा के नाम पर अगर महिलाओं को नंगा रहने की भी बात कहता है तो कोई आवाज नहीं निकली। पुरुषों को कुछ हलचल नहीं हुआ, पुरुषों में कोई दर्द नहीं हुआ, कोई गुस्सा नहीं आया। पर बाबा रामदेव ऐसे बयान देते रहते हैं बीच बीच में, पहले एक पत्रकार के साथ भी उन्होंने कहा कि मेरी पूंछ पाड़ेगा, लगातार ऐसे बयान तो वो देते रहते हैं। तो इससे ही पता चलता है कि उनके पास ना तो योग में कोई डिग्री है, ना कोई डिप्लोमा है, ना ही उनकी एजुकेशन अच्छी है, ना ही उनके संस्कार अच्छे हैं, ना उनकी परवरिश अच्छी है। इसी से पता चलता है कि वो किससे किस तरह की किस लहजे में बात करते हैं, किस तरह से लोगों को जो है नीचा दिखाने के लिए हमेशा कोशिश करते लेकिन हैं। ऐसे बाबाओं पर तमाम आरोप लगते हैं, बाबा रामदेव ने तमाम और बाबाएं हैं जो जेल में भी पड़े हुए हैं, फिर भी लोग इनका सम्मान करते हैं, इनकी इज्जत करते हैं, इनकी बातों को फॉलो करते हैं। तो ये मूर्ख लोग हैं ना, बता तो रही है, वही तो मूर्खों की भरमार है, ढेर लगा करके वहां जा रहे हैं। अब देखो उसने महिलाओं को कहा कि नग्न अवस्था में मुझे महिलाएं अच्छी लगती हैं और महिलाएं वहां पर हंस रही हैं, महिलाओं के अंदर कोई रोष नहीं है, रिएक्शन नहीं है। अगर मैं उस सभा में होती तो, और उससे पूछती अगर नग्न अवस्था में अच्छा लगता तो उसकी लुंगी खींच लेती मैं, कर देती नंगा मंच पर, कि ठीक है भी जब नंगे महिलाएं तुझे अच्छी लगती है तो तू भी नंगा होकर खड़ा हो, नंगे होकर यहाँ ज्ञान दे, नग्न अवस्था में आप तू यहाँ पर पेट हिला के दिखा, क्यों लुंगी लपेट कर बैठता है तू? तो तू अगर नंगा है सोच से तो तू महिलाओं को भी नंगा करने की बात करेगा? उस पूरे पंडाल में एक महिला नहीं निकली। बीजेपी तो महिलाओं के सम्मान की बात करती है और ये भी बीजेपी के मंच पे ही प्रोग्राम हो रहा था और बाबा रामदेव का भी झुकाव बीजेपी की तरफ रहता था, फिर यहाँ से क्यों बोल रहे महिलाओं? भैया इसी सम्मान की तो बात करते हैं, ये महिलाओं का यही तो सम्मान है इनकी नजर में कि एक बड़े मंच से ऑन कैमरा इतने सारे लोगों के बीच में एक बाबा महिलाओं को नग्न अवस्था में अच्छा देखने की बात करता है कि मुझे महिलाएं बिना कपड़ों के भी अच्छी लगती हैं। तो यही तो इनका सम्मान है महिलाओं के लिए, ये महिलाओं का सम्मान करते हैं। इसीलिए जब रेप होता है तो इनकी पार्टी की नेता कहती है कि ये तो हमारी पारंपरिक जो है व्यवस्था है, महिलाओं का बलात्कार कोई बड़ी बात नहीं है। जब इस देश के अंदर इस तरह के बाबा खड़े हो जाते हैं और महिलाओं को कहते हैं कि मुझे नग्न अवस्था में भी अच्छी लगती हैं, तो किसी भी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाले नेताओं का बयान नहीं आता कि भी आप बाबा ऐसे क्यों बोल रहे हैं महिलाओं के बारे में, महिलाएं तो हमारी भी हैं, अगर वो नग्न अवस्था में आपके सामने आएंगी तो हमारी तो इज्जत खराब हो जाएगी। इससे यही साबित होता है कि ये अपनी महिलाओं की कितनी इज्जत करते हैं और ये महिलाएं भी कितनी मूर्ख हैं जो वहां बैठ करके उसके भाषण को सुन रही हैं और वो दांत फाड़ रहा ही महिलाएं तो मुझे बिना कपड़ों के भी अच्छी लगती हैं। लेकिन स्मृति ईरानी तो बड़ा सम्मान करती है महिलाओं का, इस मुद्दे पर कोई नहीं है उनकी आवाज़? ना स्मृति ईरानी बोली है, ना किरण खेर बोली है, ये जितनी भी इन्होंने अपनी भोपू टाइप की वो बना रखी है मंत्री और एमपी, तो आपको नहीं लगता कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, हम तो कार्रवाई की मांग करते हैं। देश के अंदर हो सकता है कि जो ये लोग हैं जो मंच पर बैठे थे, जो सामने बैठे थे, उन महिलाओं को अपनी इज्जत नहीं पता होगी, लेकिन देश की लाखों करोड़ों महिलाएं आत्मसम्मानी हैं, स्वाभिमानी है। जवान फिसली हो उनकी, तो जवान फिसली हो तो वो बयान दे, बार बार इसकी जवान फिसलती रहेगी, बार बार ऐसा तो एक महिला उसको मुंह पर गाली दे दो और कह दे बाबा जवान फिसल गई, गाली दो और जवान फिसल गई कह दो। लेकिन अब वो कह रहे हैं अगर किसी को ठेस गलती मेरे बयान से तो मैं माफी मांग रहा हूँ। नहीं तो तुम्हारे मुंह पे अब चार रैपट मार के कोई महिला कहे कि मेरा हाथ फिसल गया, और कोई महिला जूता मार के कहे जी मेरा तो जूता फिसल गया आपके मुंह पे, बहुत बहुत सॉरी, तो क्या इससे तुम सॉरी मांग लोगे? बड़े समाज के बीच में तुम लोग कह रहे हो और कैमरा कह रहे हो, जनता के बीच में ये बात कह रहे हो कि महिलाएं मुझे बिना कपड़ों के भी अच्छी लगती हैं।